मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए मतदान नियम समय से शुरू हो गया। जनपद के 6 विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 920 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं जनपद 7 बूथों पर ईवीएम तकनीकी समस्या आने के कारण मतदान रुका हुआ है। अल्मोड़ा की तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व है और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है कि आज वोटिंग मेरे ही पुराने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में हो रही है और यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता भी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रदीप टम्टा जी को, शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल जी को, कि लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो और आप सबकी मनोकामनाएं। अल्मोड़ा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है और करीब 6 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें कि यू कैंट स्थित बूथ में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अल्मोड़ा जिले के 920 बूथों में वोट कास्ट हो रहा है और वहीं अल्मोड़ा के एसपी ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 बूथों पर तकनीकी समस्या के चलते मतदान में व्यवधान आया है और साथ ही ठीक उसे कर लिया गया है। हमारे सभी जगह हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारी पोलिंग पार्टी रेडी है और हमारे मॉक पोल कंप्लीट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वोटर्स आते जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में हमारा पोल स्टार्ट होता जा रहा है। अभी मैंने भी मतदान किया है, मेरे साथ एसएसपी साहब भी मतदान कर रहे हैं और हम अपने जनपद वासियों से भी चाहेंगे सभी लोग घर से आज निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, खचड़ी 107 बूथ में मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया, मशीन खराब हो रही, उसमें कोई समस्या नहीं है, हमारे पास सफिशियंट रिजर्व है, हम रिजर्व से उसमें मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। बागेश्वर जिले के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्र पर लोकसभा चुनाव के लिए लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। मतदाता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, राष्ट्रीय हित जैसे मुख्य मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान में युवा, बुजुर्ग सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे तो जो है कि पहले तो स्थिरता होनी चाहिए सरकार में, जो कि ऐसे हम सरकार चुने जो कि स्थिर रहे कम से कम 5 साल, जिससे कि जो विकास के कार्य हैं उसमें बाधित ना हो। जिससे और बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको कि इसमें जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको उनको ध्यान में रखना चाहिए और आगे चल के इसके लिए कार्य करना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने मत का, अपने वोट का अवश्य प्रयोग करें, अपनी सरकार चुनें, जो भी आपको उचित लगता है उसको अपना फैसला दें और वोट पक्का करें। सर, जैसा कि पता है कि इस समय भारत में बहुत सारी चीजों की अव्यवस्था चल रही, जैसे रोजगार और महंगाई, इससे दुनिया, भारत के लोग जो हैं बहुत आहत हैं, इसमें सुधार के लिए वोट किया है। और हम बीजेपी सरकार चाहिए हमको, हम शुरू से बीजेपी वाले हैं। आपके मुद्दे क्या रहे हैं, आप क्यों वोट देने आए हैं? हम अपने घर विकास चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं और अपना बागेश्वर में कुछ हो आगे को जो करने वाला है वो चाहिए हमको। सरकार हम ऐसी चुनना चाहते हैं जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको मतलब हम हमारी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकें। जैसे महंगाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है तो महंगाई में नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो जैसे मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू करना चाह रही हूँ, तो हम ऐसी सरकार को चुनना चाह रहे हैं जो ओपीएस लागू करें।
गढ़वाल लोकसभा सीट के कोटद्वार शहर में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कोटद्वार के नींबू चोड़ स्थित बूथ संख्या 104 पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरे भूषण में अपने मत का प्रयोग किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए उत्तराखंड के सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने भी अपने मत का प्रयोग कर सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। देखिए, हम सब आज लोकतंत्र का एक महापर्व मना रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग आज उतरे हैं। उत्तराखंड भी उसमें पहली जो हमारे आज उतरा है उत्तराखंड पूरा। तो मैं सभी मतदाताओं से कहूंगी, देश के हित में, राष्ट्र हित में अपना जो कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है कि हम अपना वोट दें, तो राष्ट्र हित में आज हम सब बाहर निकले। देखिए, ये हमारे देश के लिए ये पर्व से कम नहीं, सबसे बड़ा पर्व है मतदान, महादान। इससे बड़ा दान जैसे कन्यादान है, ऐसे ही मतदान भी है जो आवश्यक है। और इसमें मतदान ही एक ऐसा है जिसमें अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो इसलिए हम तो सबसे अपील करते हैं, और वैसे तो उत्तराखंड जागरूक है और शादी ब्याह भी के बावजूद भी लोग वोट देने आ रहे हैं, तो हम सबसे अपील करते हैं कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व माने जाने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर उत्तराखंड में मतदान हो रहा है, और जहां पर टिहरी और हरिद्वार लोकसभा के लिए मतदान किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपनी पत्नी गुरमीत कौर के साथ मतदान किया। और इसी बीच राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का मतदान करना उनका अधिकार और कर्तव्य भी है। को आज के इस महाउत्सव, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतंत सौभाग्य का दिन है, और जो एक्साइटमेंट, जो पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूं अपने आप, ये सबको, हमको, हमारा जो विश्वास लोकतंत्र में है उसको सुदृढ़ करता है। सबसे बड़ा दान मतदान है, और ये हर एक मतदाता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मुझे खुशी है कि हमारे सब साथी बहुत बढ़ चढ़ कर बड़ी संख्या में आज इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई कैन फील द पार्टिसिपेशन, जो हर्ष, उत्साह और एक गर्व की बात है। और सबसे बड़ा जो हमारा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा लोकतंत्र की प्रगति के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर में पार्टिसिपेट करना हम सबकी जिम्मेवारी है, अधिकार है, राइट है, और मुझे खुशी है कि हम सब बढ़ चढ़ कर इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किया है, और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मतदान करके ये हमें अधिकार दिया है संविधान ने कि हम अपना वोट जिसको हम चुन के लाना चाहते हैं, जो हम को आगे बढ़ाए और दुनिया को आगे लेके जाए, भारतवर्ष को आगे लेके जाए, हम अपना अधिकार इस्तेमाल करके उसे विजयी बनाए और हमारी बहनों बेटियों को सहूलते दे और आगे बढ़ाए उनको। नारी शक्ति जिंदाबाद। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और साथ ही तस्वीरें देहरादून के, जहां त्रिवेंद्र रावत मतदान करने अपने परिवार के साथ पहुंचे, और साथ ही उनकी बेटी और उनकी धर्मपत्नी साथ में मौजूद नजर आई। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, जहां त्रिवेंद्र रावत
अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और साथ ही बता दें कि त्रिवेंद्र रावत मतदान करने पहुंचे। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, विशेषकर यूथ में बहुत उत्साह है। वो इस बार के चुनाव में विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लेकर काम चल रहे हैं, जिस विजन को लेकर काम चल रहे हैं, उनको उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और उनको लगता है कि मोदी ही उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, और इसलिए तमाम युवा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही है और वहीं लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में काफी मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग मतदान करा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और काफी संख्या में युवा मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी में बता दें कि हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही निर्वाचन विभाग और पुलिस बल भी बूथ पर मौजूद नजर आ रहा है और साथ ही युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज पहले चरण का मतदान है और वहीं हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर पहले चरण का मतदान जारी है। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 5 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर अपने भागीदारी निभा रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। नैनीताल जिले के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र पर एक ऐसा नजारा देखने को सामने आया है जहां दुल्हा दुल्हन मतदान स्थल पर पहुंचे और जहां दुल्हन ने मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपने भागीदारी निभाई, वहीं दुल्हा दुल्हन ने बताया कि देर रात उनकी शादी हुई और आज मतदान के लिए उनकी विदाई हो रही है, लेकिन विदाई से पहले अपना मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है। उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान जारी है और हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग स्थल पर दूल्हा दुल्हन पहुंचे और साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में दूल्हा दुल्हन ने भागीदारी निभाई है। उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान जारी है। हल्द्वानी की तस्वीरें हैं जहां पर एक शादीशुदा जोड़े ने मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग स्थल पर एक विवाहित जोड़ा पहुंचा और साथ ही लोकतंत्र के महापर्व में दुल्हा दुल्हन ने भागीदारी निभाई, मताधिकार का प्रयोग किया। गायत्री चंदोला है। अभी तो फिलहाल ये जस्ट स्कूल के जीजीआईसी दौलिया के पास वाला घर है, दौलिया डी क्लास में शादी हो रही है। वैसे तो बैंगलोर से अभी सोमेश्वर के रहने वाले हैं, तो अभी सोमेश्वर को ही जा रहे हैं। शादी हो चुकी है रात को, अभी विदाई होकर के जस्ट मैं आधे घंटे बाद विदाई के यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। वोट डालने क्या सोचा कि शादी के अहम बंधन है और ये वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना भी बहुत जरूरी है बिकॉज हम ही है जो युवा आगे गवर्नमेंट और सारी चीजों के लिए वोट नहीं डालेंगे तो सब चीजें सही कैसे चलेंगी? देखिए, मेरा नाम पीयूष जोशी है और आज हम मतदान करने पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग देहरादून में थे, मगर स्पेशल जो है वोट डालने के लिए हम लोग अपना कार्य छोड़कर जो है मतदान करने आज यहां पहुंचे हैं। और मतदान करने का उद्देश्य केवल यह है कि 5 साल में एक बार हमें एक मौका मिलता है कि अपने मत का प्रयोग करें और अपने लिए जो है एक अच्छी सरकार को चुने, तो आज मत का प्रयोग करने हम आए हैं और पूरी जनता से सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान ही ऐसी शक्ति है जो संविधान में हमें सरकार चुनने का अधिकार देती है। और इस बार 5 साल में हमें ये अधिकार मिला है कि अपने मुद्दों पर, अपने जो समस्याएं हैं उन पर वोट की छोड़ करें
तो मेरा सभी जनता से और सभी लोगों से मतदाताओं से ये निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं के लंबी लाइनें नजर आ रहे हैं। लोग सुबह से सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं और पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि अपने मत से असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसे लेकर निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। पहले चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और साथ ही बता दें कि पहले चरण का मतदान फिलहाल जारी है। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें ये हल्द्वानी की हैं आप जहां देख सकते हैं कि मतदाताओं में काफी संख्या में यहां लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग यहां नजर आ रहे हैं। युवाओं में खासा उत्साह है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे पहले जनता के सभी पब्लिक का मुद्दा ये होता है बेरोजगारी और रोजगार, और बेरोजगारी रोजगार को देखते हुए जनता मूड बना चुकी है कि पोलिंग करेगी। तो क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसको लेके जो जिसकी भी सरकार बने वो जनता की प्राथमिकता? तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए सुरक्षित देश बनना चाहिए, सुरक्षित प्रदेश बनना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। क्या सोच के आप यहाँ पर मतदान? मैं एक बेहतर समाज, बेहतर देश के लिए जो सरकार काम करेगी उसके फेवर में पोलिंग कर रहा है। सरकार वही आएगी जो देश का विकास करेगी, और हमारे लिए तो एजुकेशन मैटर करती है, इकोनॉमी, यही सब है, और जो वुमेन के लिए करे, मतलब कि हर एक चीज़ मतलब सही से करे, और मतलब हर लोगों के लिए, यानी कि वुमेन्स ओनली, फॉर ऑल। जो भी सरकार आएगी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इस बात पे प्रयास करेगी ऑनलाइन वोटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना वो वोट कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मेरी बेटी भी बाहर है तो नहीं आ पाई वो इस समय, अगर होता अगर ऑनलाइन का तो वो भी वोट देते। और क्या मुद्दे हैं चुनाव में जिनको लेकर आप अपने वोट डालने आए? स्वच्छता सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मोदी जी का इतना जोर है स्वच्छता के ऊपर, लेकिन जो भी सरकार आएगी उसको स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देना। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो जैसे कि सभी लोग हैं अपने अपने नेता को चुनने आए ये आशा करके कि वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, तो इसी उम्मीद में मैं भी आई हूँ। एजुकेशन में डेवलपमेंट तो हो रहे हैं और एजुकेशन भी हाई लेवल की हो रही है, बट मैं चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो युवा बहुत ज़्यादा हैं और जिनको पदों पे जो भर्तियाँ निकलती हैं उस वो बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी को रोज़गार मिले, और जो हमारी जो हमने अपनी एजुकेशन ली है, जो हम सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उसके बेस पे हमें जॉब मिले और हम सब सेटल हों अच्छे से। महंगाई, बेरोजगारी भी। जी महंगाई तो बहुत हुई है, बट क्या कर सकते हैं, आप सबने अपने अपने वोट डाले हैं तो अब आशा करते हैं आगे क्या होगा। देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये हमारा, इसके लिए हमारा विशेष जो ध्यान है वो विकास के ऊपर है। जो पार्टी विकास के लिए काम कर रही है लगातार, हमारा सारा रुख जितने भी मतदाता हैं आज जागरूक हो चुका है और विकास के नाम पर ही सिर्फ उसे वोट चाहिए देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी जाति पे, कौन से धर्म पे, किस पे क्या काम हो रहा है, वो सबसे उठ करके आज केवल सिर्फ और सिर्फ विकास और विकास पे ही मतदान हो रहा है। कितना उत्साह है आप लोगों को सबसे पहले उठ के मतदान करने आए? देखिए हर व्यक्ति के अंदर उत्साह है, आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोगों के अंदर उत्साह है, गर्म हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो, इसलिए भी, और नज़दीक नज़दीक बूथ होने की वजह से लोगों को आने में दिक्कत नहीं है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, और
आज आप देख ही रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी बनाई गई हैं। जो भी चीज हो वो प्रॉपरली होना चाहिए कि जिससे सारी चीजें अच्छी हो, ये नहीं कि अनफॉलो सारी चीजें कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर रोजगार की बात की जाए, महंगाई का इशू तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे कोई भी सरकार जीते वो मैटर नहीं करता, बट ये जो भी हो प्रॉपरली हो और अच्छे से। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं निर्वाचन आयोग भी समय समय पर लोगों में जोश भरने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से 6 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं और जिसको लेकर 1,32,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। और वहीं युवा मतदाताओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस बार 18 वर्ष की उम्र पर करने वाले मतदाता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और वहीं पहली बार अपने मत का प्रयोग कर गदगद नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने कुछ मतदाताओं से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पैरालंपिक खिलाड़ी भुवन चंद्र गुणवंत ने हल्दूचोड़ स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने बताया कि 2010 में पहले एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर काटने पड़े थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और वो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी ये समस्या की बात है, 2010 में मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें मेरे दोनों पैर कट गए थे। तो तब से मैं अपने दिव्यांग समाज के लिए के साथ साथ आम जनमानस और जो भी समाज का हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ और शोषित वर्ग है उसके लिए काम करते हैं। जी बहुत बढ़िया, ये तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के पास 5 साल में एक बार ये मौका आता है, तो मैं आपके माध्यम से अपने दिव्यांग साथियों के साथ साथ आम जनमानस से भी एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस महापर्व का वोट देकर के उचित इस्तेमाल करें और अवश्य ही वोट दें। खबर लालकुआ से है, जहां लोकसभा की 5 सीटों पर मतदान जारी है। तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद के साथ काम कर रहा है और साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अत्याधुनिक पुलिस फोर्स तैनात की गई और लगातार फ्लाइंग स्क्वाड भी नजर आ रहे हुए हैं और फिलहाल बिना किसी समस्या के मतदान जारी है। विधानसभा में शांतिपूर्वक ढंग से हमारा निर्वाचन चल रहा है, पूरी तरह से हमारे यहाँ पे फोर्स मौजूद है। कुछ हमारे संवेदनशील बूथ हैं जहाँ पे हमारी ज्यादा फोर्स मौजूद है, कुछ हमारे स्पेसिफिक बूथ हैं जैसे सखी बूथ है, दिव्यांग बूथ है, यूथ बूथ है, इनमें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज हमने करवाई है, वहाँ पे विशेष व्यवस्था करवाई है लोगों के लिए, महिलाओं के जहाँ पे पानी की समस्या है वहाँ पे हमने स्पेशल टैंकर रखवा रखे हैं लोगों के लिए, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, जो भी आए वहाँ पे पूर्ण रूप से उन्हें पीने का पानी। मतदान दिवस के दिन आबकारी विभाग की टीम ने शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है और बता दें कि ऋषिकेश के कृष्णा नगर कॉलोनी में पकड़ी गई है। और साथ ही अब आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि मतदान होने की वजह से शराब के ठेके 2 दिन से बंद हैं। ऐसे में मुखबिर ने सूचना दी कि कृष्णा नगर कॉलोनी में एक महिला अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री कर रही है और शिकायत के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने कृष्णा नगर कॉलोनी पहुंचकर छापेमारी की और इंस्पेक्टर ने बताया कि अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री करने के आरोप में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मतदान स्थल पर पहुंचकर कतार में लगकर मतदान करते नजर आए और साथ ही सौरभ बहुगुणा ने लोकसभा चुनाव के पर्व पर मतदान करने की लोगों से अपील भी की है। वहीं सितारगंज में इस बार 136 मतदान स्थलों पर मतदान किया जा रहा है।
जनता से, सितारगंज की देवचिंग जनता से निवेदन है कि सब वोट देने जाइए। ये आपका वोट बहुत बहुमूल्य वोट है, ये आने वाले भारत के भविष्य का फैसला करेगा, आने वाले 5 सालों का फैसला करेगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के में लगातार उत्तराखंड विकास के रास्ते चला है, वो विकास के ना हो उसके लिए आपका वोट है, और केंद्र में सशक्त सरकार हो उसके लिए आपका वोट है, और जो केंद्र में देश को सुरक्षित रखा है, जिसने सरकार ने देश को सुरक्षित रखा है, सशक्त बनाया है और विश्व गुरु का बनाने के अग्रसर किया है, उस पार्टी के लिए आप लोग सपोर्ट करें। मेरा चुनाव के दौरान तैनात हुए अधिकारियों के स्वास्थ्य की शिकायत अक्सर देखी जा रही है और जिसे लेकर लोकसभा चुनाव कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए दून अस्पताल द्वारा मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। और इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमारे अस्पताल के इमरजेंसी और ओडीपी के डॉक्टर को सूचित किया जा चुका है कि चुनाव में तैनात कर्मियों को उनके पहचान पत्र के माध्यम से निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 15 दिन पहले भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था। हाँ देखिए, बिल्कुल इस तरह का एक शासन का नोटिस भी है और ये हमेशा एक दून अस्पताल का प्रयास भी रहा है कि इस तरह में हम लोग अपनी पूरी तरह से क्षमता पर काम करें। तो ये नोटिस हम लोगों ने करीब 15 दिन पहले भी दे दिया था कि जो भी हमारे शासन की तरफ से जो लोग चुनाव कार्य में लगे हुए हैं उनको निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाए। तो ऐसे में हमारी इमरजेंसी और सभी ओपीडीज में डॉक्टर्स को मालूम है कि जो भी अपना इस तरह का आई कार्ड प्रस्तुत करेगा उसका इलाज बिल्कुल निःशुल्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा